अभी इसके पहले हम लोग हीरोम्स के फार्मूले के बारे में पढ़ चुके हैं, आप लोगों को वो ध्यान में होगा। अब हीरोम्स से संबंधित कुछ प्रश्न, यहाँ कम से कम एक प्रश्न अच्छी तरह समझ लेते हैं। ये एक्सरसाइज 12.1 का एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में है बच्चों कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। देखिए, आपको पता है कि हीरोन्स का फार्मूला लगाने के लिए तीनों भुजाओं की माप हमें जरूरी है, तो परिमाप दिया गया है, उसकी सहायता से तीसरी भुजा निकाल लेंगे। अब देखिए, हल यहां लिख देंगे, हल तीसरी भुजा बराबर परिमाप में से दोनों भुजाओं का योग घटा देंगे तो तीसरी भुजा का माप 14 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमारे पास उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप है, तो हम क्या करेंगे, पहले S का मान निकाल लेंगे। S आपको पता है कि परिमाप का आधा होता है, तो ये परिमाप हो गया 18 जमा 10 जमा 14 बटा 2 सेंटीमीटर में आएगा ये, या S बराबर ये जोड़ करके 42 बटा 2 बराबर ये 21 सेंटीमीटर हो गया। S का मान हमें मिल गया 21 सेंटीमीटर। अब हीरोम्स ने जो फार्मूला दिया था उसका प्रयोग करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, A, B, C उसकी भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का माप। अब देखें आप बराबर यहां लिखेंगे रूट में ही, रूट जरूर लगाएंगे, आप लोग कभी कभी रूट लगाना छोड़ देते हैं। एस की वैल्यू हमने पाई है 21, तो एस की जगह 21 हो गया, और ब्रैकेट में यहां एस की जगह 21 माइनस ए, ए मीन्स उसकी एक कोई भुजा, पहली भुजा, आप कोई भी इसकी जगह लिख सकते हैं, ए का मान, बी का मान, सी का मान, आप कोई भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो 21 माइनस 18 इस ब्रैकेट में हो गया, S माइनस बी यानी उसकी B की जगह दूसरी भुजा, S वही रहेगा 21 माइनस 10 तीसरे ब्रैकेट में, 21 माइनस 14 वैसे ही हो गया, ब्रैकेट बंद। और यहां पर आप सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखेंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल की बात है। अब इसका देखें, इसका कई बच्चे हल करने में परेशान होते हैं, तो इसका देखें रूट तो आप लगाते रहेंगे, यहां अभी 21 इसमें घटा दिया 3 आ गया, इसको घटाने पे 11 आ गया, और इसको घटाने पे 7 आ गया, यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर आप जरूर लिखें। फिर देखें क्या करेंगे, इनको हम टुकड़े में कर, अभाज्य टुकड़ों में कर देते हैं। इसका 21 का 3 गुणे 7 हो गया, तो उसको हमने लिख दिया, रूट लगा के ही रखेंगे आप। और फिर इनको ये इससे छोटा नहीं हो सकता, 3 इससे भी छोटा नहीं होगा, 11 ये भी जस का तस जो लिख दिया इसे, सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 3 जो जोड़ा बनाने के लिए एक जगह कर देंगे, 7 7 को एक जगह, और 11 अकेला है तो इसको ऐसे रख लेंगे, ये भी रूट रहेगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखें 3 इस जोड़े के लिए एक बार निकल जाएगा, इस 7 के जोड़े के लिए एक साथ बाहर निकल जाएगा, 11 अकेला है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि रूट से बाहर नहीं हो पाया, तो ये रूट में 11, ठीक है। 3 गुणे 7 बराबर क्या होगा, 21, तो ये 21 हो गया, और रूट में 11 आप 11 आप रख दें, वो ऐसे ही रखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिखेंगे, ये आपका हो गया, यही उत्तर हो गया। अब ये मान आ गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ये पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। इसी को अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो इसको दो बार इस वीडियो को सुन लें, और ठीक है, थैंक यू, अगले क्वेश्चन अगले